बड़ी जानकारी आपको बता दें, सोनीपत में ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की कोशिश की गई है। आरोपी ने पकड़े जाने पर जहर निकला है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आरोपी ने पकड़े जाने पर जहर निकला है और जहर निकलने के कारण आरोपी की मौत हो गई है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत में ज्वेलर्स की दुकान पर लूट का प्रयास किया गया, तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब लूट का प्रयास किया गया था, उसके बाद जब आरोपी को पकड़ लिया गया, उसने जहर निगल लिया और जहर निगलने के बाद आरोपी की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सोनीपत से जहां पर ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की कोशिश की गई, आरोपी ने पकड़े जाने पर जो जहर है वो निगल लिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौके पर सूचना मिली है कि सोना ज्वेलर के पास में कोई बंदा आया है, उसने आके पिस्टल नुमा हथियार दिखा के लूटने की कोशिश करी, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और शोर मचाने के बाद आसपास लोग इकट्ठे हो गए। उसने थैले में से कोई शीशी वगैरह निकाल लिया, उसमें से कुछ पदार्थ पिया है, पीने के बाद फिर वहीं लेट गया है वो। उसके बाद इन्होंने पुलिस के पास सूचना दी है, सूचना पुलिस आई, उसको हॉस्पिटल ले गए हैं और वहाँ बाद फिर बात। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं सोनीपत से। लाजपत, बताया जा रहा है कि आरोपी ने जहर निगल लिया जब लूट के दौरान वो पकड़ा गया, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए बसंत, ये जो लूट का मामला काफी संगीन मामला है, क्योंकि संगीन इसलिए कहा जाएगा कि जिला सोनीपत में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और ये मामला कोई मामला छोटा नहीं है, क्योंकि जो लोग जो व्यक्ति लूट करने आया था उसकी मौत हो गई, तो इसके संज्ञान जो है पुलिस प्रशासन लेगा और फिल्मी स्टाइल इसको कहा जा सकता है। जो लूट करने आया था वह व्यक्ति एक जो ज्वेलर्स की दुकान थी जिस पर वो आया और उसने अपनी बेटी की शादी बताई, तो उसने कहा कि मेरे बेटे बेटी की शादी है तो दामाद के लिए 2 तोले की चैन दिखाओ, तो उसने दुकानदार ने चैन दिखाई, तो उसने चैन को देखा तो उसने अपने बैग से ही पिस्टल दिखाई दुकानदार को और दुकानदार ने फिर घबरा गया और वो जब भागने की कोशिश की तो वो फिर उससे उसको दुकानदार ने पकड़ने की कोशिश की, तो उसने अपने बैग से एक हथौड़ा निकालकर उस दुकानदार पर वार किया, फिर से भागने की कोशिश की तो उसने चिल्लाया तो आसपास के दुकानदारों ने उसको पकड़ा। जैसे ही पब्लिक ने पकड़ा तो वो उसके बैग में एक जहरीला कोई पदार्थ था जिससे उसने पी लिया पब्लिक के बीच में ही और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान जो है दिल्ली वासी की हुई है। अभी जो उसकी मौत हो चुकी है और उसके जो शव को सिविल हॉस्पिटल में रखा गया है और उसके घर वालों को बुलाया गया है। अभी देखना यही होगा कि पुलिस प्रशासन उस पर किस तरीके की जांच करती है, किस तरीके का मामला सामने आता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये सारा का सारी वारदातें जो है वो सीसीटीवी फुटेज में है। अब देखना यही होगा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई होती है या दुकानदार के उस कहने पर कार्रवाई होती है या उनके जो मृतक है उनके घर वालों के कहने पर होती है या कोई ऐसी मजबूरी हो सकती है। देखना यही होगा कि पुलिस प्रशासन इसमें कितनी जांच करता है, क्योंकि ये काफी बड़ा मामला है। जिस व्यक्ति ने लूट की करने की कोशिश की थी उसकी मौत हो गई है, तो इसको लेकर छोटी बात ना मानी जा सकती, क्योंकि बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि इस तरीके का मामला पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जिस व्यक्ति को भीड़ ने पकड़ा और उसने अपनी जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, और ये काफी बड़ा मामला है। जिला सोनीपत में लगातार वारदातों के मामले देखने को मिलते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, काफी बड़ी बात है। जो ज्वेलर्स की दुकान पर ये व्यक्ति आया था नरेली का रहने वाला था। जी बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत जुड़े, आप महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोनीपत से जो मामला सामने आया है, इसमें जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई भी बेहतर जारी है।